दोस्तों, दवाइयाँ हम सभी के जीवन का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हमें दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। आजकल मार्केट में कई फेक मेडिसिन्स आ गई हैं। बता दें कि ऐसे में इन दवाइयों पर नकेल कसने के लिए एक बेहद ज़रूरी फैसला लिया है। इस फैसले में सरकार ने दवा पर QR कोड यानी बार कोड लगाना आवश्यक होगा। यह QR कोड 1 अगस्त 2023 से लगाना आवश्यक होगा। सरकार ने यह आदेश दवा बनाने वाली सभी फार्मा कंपनी को दे दिया है। इससे मार्केट में बिकने वाली नकली दवाइयों पर नकेल कसी जा सकेगी। आपको बता दें कि इस तरह की दवाइयों को आधार मेडिसिन कहा जाएगा। इन QR कोड में किन जरूरी चीजों की होगी जानकारी? असली दवाओं की होगी पहचान, दवाई का नाम और जेनरिक नाम का लगेगा पता, ब्रांड का नाम, फार्मा कंपनी का नाम और एड्रेस, दवा का बैच नंबर, दवा का किस दिन हुआ निर्माण, दवा की एक्सपायरी डेट, दवा बनाने वाली कंपनी का लाइसेंस नंबर। आपको बता दें कि सरकार ने फिलहाल केवल 300 बड़ी फार्मा कंपनी को निर्देश दिया है कि वह अपनी दवाओं पर बारकोड लगाए। इससे असली और नकली दवाओं के बीच आसानी से पहचान की जा सकेगी। यह व्यवस्था 1 अगस्त 2023 से लागू हो जाएगी। इसमें ज़्यादातर उन कंपनियों को शामिल किया गया है जिनकी दवाएं सबसे ज़्यादा रिटेल भाव में बिकती है। इसमें एलर्जा, डोलो, ओगमेंटिन, सेराडोन, कालपोल और थायरोनोरम जैसे ब्रांड शामिल है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि साल 2022 के जून महीने में हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी करके लोगों से इस मामले पर उनकी राय मांगी थी। इसके बाद लोगों के द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार ही यह फैसला लिया गया है। ड्रग और कॉस्मेटिक्स एक्ट के रूल 96 के H2 के मुताबिक अब 300 ड्रग कंपनियों को अपने प्राइमरी और सेकेंडरी पर बारकोड या QR कोड लगाना जरूरी हो गया है। जानकारी के लिए बता दें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया के मध्यम और कम आय वाले देशों में नकली दवा का व्यापार बहुत तेजी से फल फूल रहा है। इन देशों में 10% मेडिकल के सामान नकली मिलते हैं। ऐसे में इससे लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है। ऐसे में भारत सरकार का यह कदम आने वाले दिनों में लोगों के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। इससे करोड़ों लोग नकली दवा यूज करने से बच सकते हैं। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।